हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर के बारे में, और उसके भी पार्ट बी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज के वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म का, सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम के क्वेश्चंस का, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उनके अंदर भी एक क्वेश्चन इस पार्ट से बनता ही बनता है। तो मतलब आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक डिवाइस के बारे में। जब भी हम किसी डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं तो आज सच बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप से हो जाता है, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो वो डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कोई भी डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के बारे में, जब हम मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, किसी भी डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा होता है वो सब इंट्रोड्यूस हो जाता है। हमने फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक की वजह से, तो वो सब इसमें क्या हो जाता है, मतलब वो जो हम पढ़ रहे होते हैं अब पता चलता है। अच्छा, इसलिए पढ़ रहे थे क्या वो? अदरवाइज वो हम पढ़ते जाते और उसको कुछ दिखता नहीं है। तो अभी हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले अबाउट द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस का नाम है जो क्या करता है। सबसे पहली बात, ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। वो डिवाइस है जो एक्सेलरेट चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी नहीं कह सकते, विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है, उस डिवाइस को बोला जाता है साइक्लोट्रॉन। मतलब वो डिवाइस जो हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज, एक्सेलरेटर, याद है कार चलाते हैं एक्सेलरेशन, ना 11th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, यस, क्या था एक्सेलरेशन? वेलोसिटी चेंज हो रही हो जिसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। तो वो जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम कार के अंदर होता है एक्सेलरेटर, यहाँ पर उसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, पहली बात, साइक्लोट्रॉन होता क्या है भाई? जिस चीज के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। फिर बात आती है भाई, इसका यूज कहाँ है, एक्सेलरेटर का यूज कहाँ होता है? लाइक कोई लड़का बाइक चला रहा है, वो एक्सेलरेटर कब यूज करेगा, वेलोसिटी चेंज कब करता है? लाइक कोई लड़की जा रही है, एकदम से वो क्या देखेगा, चलो एक्सेलरेशन स्पीड वो तेज है, वो धीरे धीरे, मान लो पैदल है तो वो अपनी स्पीड को कम करेगा। और अगर वो एक्टिवा पर है और वो उससे तेज चला रही है, तो उसके ईगो पे हर्ट होता है और वो अपनी स्पीड को तेज करता है, मतलब एक्सेलरेटर का हेल्प लेता है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल किसकी हेल्प लेगा, साइक्लोट्रॉन की हेल्प लेता है। साइक्लोट्रॉन से एक चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब बात आती है, जो ये साइक्लोट्रॉन है हमारे पास, उसका अगर, ये तो हमने जस्ट पढ़ लिया कि भाई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने में हेल्प कर रहा है, कहाँ हेल्प कर रहा है? तो हम बोलते हैं जो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, एक्सप्लोसिव, बॉम्ब्स, ये सब जो बन रहे होते हैं, वो किसकी हेल्प से बन रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से। तो जो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस बन रहे होते हैं हमारी, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, ये न्यूक्लियस एक हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एक एलिमेंट को, हेवी एलिमेंट को हमें बम्बार्ड करना पड़ता है। तो अगर वो ऐसे धीरे 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 आ रहा है तो कुछ नहीं होगा भाई, पर कुछ भी नहीं होगा। जबकि वो एक अगर हाई वेलोसिटी से आ रहा होगा, तब जाकर उस न्यूक्लियस को वो ब्रेक कर पाएगा, और न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाएगा
तभी न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हो पाएगी। तो अब इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए कुछ चाहिए, वो कुछ क्या है, वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए जो डिवाइस चाहिए उसे बोला जाता है साइक्लोट्रॉन। फिर आता है हमारे पास सेकेंड चीज, चार्ज पार्टिकल। जैसे हमने बोला कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है, ऐसे ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हैवी एलिमेंट्स, उनको भी ब्रेक करना है तो भी एक हाई वेलोसिटी की चीज चाहिए। सिंपल तो चीज से कुछ हो गई है ना, जैसे मान लो सिंपल सी बात, पत्थर है आपके पास, छोटा एक पत्थर है, उसे आपने तोड़ना, एक तो आप तोड़ रहे हो ठीक है, और एक कोई मजदूर जो ये काम करता है वो तोड़ रहा है। तो क्या होता है, हम लोग मतलब मुझे अगर या आपको किसी को भी तोड़ने को बोले तो वो क्या होगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, मतलब इस तरह से वो मार रहा है, पर वो पत्थर नहीं टूट रहा है, या टूट भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट टूट रहा है। जबकि जो मजदूर है जिनका ये डेली का काम है वो क्या करते हैं, उसे बहुत हाई वेलोसिटी से मार रहे होते हैं। जब वो उस हाई वेलोसिटी से हैमर को पत्थर से मार रहे होते हैं तब वो पत्थर बहुत जल्दी टूट जाता है। तो भाई उसने वेलोसिटी को चेंज किया, वेलोसिटी को बढ़ाया टाइम के साथ साथ, तो वहां पर क्या हो गया, डिके हो गया, मतलब टूट गया। तो वहां काम हैमर ने किया, पत्थर ने, या हमारे पास कौन करता है, साइक्लोट्रॉन करता है। ठीक बात, अब पता चला कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक ऐसा डिवाइस जो एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देता है। अब बात आती है इस पार्टिकल को जो वो एक्सेलरेट कर लेता है उसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि कोई भी डिवाइस है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इन द सेंस इस बेसिस पे वो चीज काम करेगी। तो बोला एक चार्ज पार्टिकल किस बेसिस पे काम करता है, दैट द प्रिंसिपल ऑफ एक हमारा साइक्लोट्रॉन। तो चार्ज साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर पाएगा कब, व्हेन देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज अटैच्ड। हाई फ्रीक्वेंसी की हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे और चार्ज पार्टिकल को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ही क्या करता है, वेलोसिटी चेंज कर लेता है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर लेता है। ठीक है, सो इट्स प्रिंसिपल इज a charged particle can be accelerate, एक जो हमारा charged particle है it can be accelerate, वो accelerate कब कर सकता है, when, और accelerate किसी एक particular energy तक करेगा, so to a sufficient high energy। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है टू अ सफिशिएंट हाई एनर्जी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, जब हम उसको कहां रख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द चार्ज पार्टिकल when it is placed in a magnetic field, when it is placed in a magnetic field, तब हमारे पास क्या होगा, charge particle accelerate कर जाएगा। ठीक बात, ये उसका क्या था, principle किसका, cyclotron का। okay, done है, ये चीज हमने पढ़ी कि cyclotron है क्या। साइक्लोट्रॉन को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे हाई फ्रीक्वेंसी का और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाता है, एक्सेलरेट करने लग जाता है। एक्सेलरेट करा तो अब हमें क्या देखना है, उस साइक्लोट्रॉन को हम बनाएंगे कैसे, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। ठीक बात, तो सबसे पहले हम इसकी क्या सीख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किस तरह से हम इसे बनाएंगे और किस तरह से साइक्लोट्रॉन इसका काम करता है। तो सबसे पहली बात कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि हम लोग लेंगे एक हाई पावर के मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स ले रहे हैं मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली इंडिकेशन दिखा देंगे,
तो हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो है हमारे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो उसके लिए हमने कंडक्टर्स ले लिए और उन कंडक्टर्स को एक पार्टिकुलर शेप दी इन द फॉर्म ऑफ डीज। लाइक आपके पास एक सर्कल था, है ना, स्फीयर, बॉल थी, बॉल को आपने क्या किया, बीच में से कट कर लिया, तो वो क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ये और ये बन गया पार्ट। तो ये पार्ट क्या है, डी है, तो इनको नाम दे दिया मेटल डीज। ठीक है, तो दो हमने क्या कर लिए, क्योंकि हमने इनके बीच में चार्ज पार्टिकल रखना था तो हमें इनको ब्रेक करना पड़ा। ये इसको नाम दे दिया D1, इसको नाम दे देते D2। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, क्या था हमारे पास, हमने डीज बना लिए, इनको हम बोलते हैं मेटालिक डीज, डी शेप के थे तो बोलते हैं मेटालिक डीज। एक को नाम दे दिया D1, एक को नाम दे दिया D2। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है वाली बात थी। अब क्या किया हमने, जो इनके बीच में स्पेस था वहां पर रख दिया हमारा चार्ज पार्टिकल, जिसको क्या करना था, एक्सेलरेट करना है। पी इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी एक्सेलरेटेड, जिसको भी हमें एक्सेलरेट करना है उसको हमने रख दिया गैप में, विच इज प्लेस इन अ गैप। ठीक है, उसको हमने गैप में रख दिया। अब क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देना है, सो वी हैव टू अप्लाई अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हमारे जो पोलैरिटीज है, इट चेंजेस द पोलैरिटी। पोलैरिटी इन द सेंस, हम लोग D1 को ले लेते हैं कि D1 जो है, लेट कर लिया कि एक बार D1 नेगेटिवली चार्ज है और D2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, सबसे पहले हमारा क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जब हमने लगाया D1 और D2, D1 नेगेटिव एंड D2 पॉजिटिव, तो ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर क्यों लगाया, ऑसिलेटर लगाया इसकी पोलैरिटी को चेंज करने, मतलब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, फिर दोबारा नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी को, पोलैरिटीज को चेंज करना किसका काम होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है। ठीक बात, अब क्या होगा, ये हमने इसकी कर दी पूरी कंस्ट्रक्शन, मेन चीजें यही थी, कंस्ट्रक्शन पता चल गई। अब देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ये इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने देखना है कि हम क्या क्या लेके चल रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहा है, अब उस काम को हमने आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग स्टार्ट की हमने। वर्किंग में हमने क्या कहा, हमने चार्ज पार्टिकल को रखा गैप में, रखा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने प्लेस कर दिया एक गैप में। अब क्या हुआ, हमने जब इसको गैप में रखा सबसे पहले तो देखा, लेट किया था हमने, D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गैप में, क्या है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। डीज में क्या है, अब डीज क्या है, कंडक्टर है, तुमने तो क्या पढ़ा हुआ है, इनसाइड द कंडक्टर, यस याद आ रहा है, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो फिर यहाँ मेटेलिक डीज में सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इतनी बात भी क्लियर। अब आगे देखो, अब क्या हुआ, पी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा, यस आ गया दिमाग में, नेगेटिव। तो ये पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जाएगा, पर जैसे ही नेगेटिव में आया, अब ये यूं चल रहा था ना, जैसे ही नेगेटिव के अंदर एंटर
D1 के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पर वहां पे सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लाइक हमने पढ़ा था नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो अब ये कौन से टॉपिक इसमें काम आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं तो उसपे फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, यस QVB sin थीटा। यहाँ पे फोर्स लगा QE, यहाँ पे फोर्स क्या लगा QE, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा QVB sin थीटा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहते थे, इस तरह से हमारा V है, रिजोल्व होगा यहाँ पे V sin थीटा, यहाँ पे V cos थीटा। V cos थीटा तो आगे कर चलने में, बट V sin थीटा हमें क्या हेल्प कर रहा था, सर्कुलर पाथ मूव करने में। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से रेडली आउटवर्ड निकल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अभी आपने देखा नॉर्थ टू साउथ वाला काम हो रहा है, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा काम कर रहा है, वी साइन थीटा, तो इसको किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। इतनी बात क्लियर, यहां तक वो इस तरह से आ रहा था स्ट्रेट पाथ में, अब वो पार्टिकल कैसे मूव कर जाएगा, ऐसे सर्कल, अब भाई आधा ही सर्कल बनाएगा क्योंकि डी खत्म हो गया। तो क्या पार हुआ, जैसा ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका मूव किया, मूव करके वो कहां चला गया, मूव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स इन D1, एंटर कर गया किसके अंदर, D1 के अंदर, बट इन D1 के अंदर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट फॉलोस सर्कुलर पाथ, ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ। यहां तक आ गया, अब क्या हुआ, ये सर्कुलर पाथ ये फॉलो, अब ये फिर से किसमें एंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, बट जिस टाइम पे ये यहाँ एंटर करेगा तब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, D2 बिकम नेगेटिव एंड D1 बिकम पॉजिटिव। तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ आया, ये फिर से फटाफट से अट्रैक्शन कहाँ करेगा, D2 के, क्योंकि D2 अब नेगेटिव है और पार्टिकल पॉजिटिव है, एंटर किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो होगा, है ना, फिर से अब क्या हुआ, जैसा ये काम हुआ, नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर की हेल्प से हम क्या कहेंगे, क्या हुआ है, इट चेंजेस द पोलैरिटी हमारी चेंज हो गई, ठीक है। सो D2 इज नाउ नेगेटिव एंड D1 इज पॉजिटिव। अब फिर उसके ऊपर फोर्स लगा और फिर उसने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया, अपनी वेलोसिटी चेंज की और इस तरह से वो मूव करता रहा। यहाँ पे जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ पे हमने टारगेट लगा दिया जिसको उसने हिट करा, जिससे हमें पता चल गया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तभी वो इस तरह से मूव कर करके इस टारगेट पे हिट हो गया। तो ये हमारे पास होता है पूरा वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किस तरह से काम करता है। अब आ जाती है, ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन ने ये सेमी सर्कुलर पाथ बनाया, उसमें उसने एक सर्कुलर पाथ बनाया, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका जो रेडियस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसका रेडियस कितना होगा, ठीक बात। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर पाथ, एक सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले बोला कि अब सेमी सर्कुलर पाथ किसमें चल रहा है,
सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, यही लग रहा है फोर्स हमेशा। फोर्स कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू वी बी साइन थीटा। अब बात आते हैं इसमें हमारा थीटा क्या होगा। थीटा क्या होता है हमेशा टेंजेंट, टेंजेंट इज व्हाट 90 डिग्री, सो फोर्स इज व्हाट क्यू वी बी, ठीक बात ना। अब बोला ये फोर्स तो किसकी वजह से लगा है, मैग्नेटिक फील्ड से। पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, यस इट फॉलोज सेमी सर्कुलर, इट फॉलोज सर्कुलर पाथ। जब भी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो हमेशा एक फोर्स, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ से, कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो प्लेज, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और आ जाता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है हमारा, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अभी दोनों ही फोर्स हो गए, जब दोनों ही फोर्स होते तो कंपेयर वन एंड टू कीजिए, कंपेयर क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, डन। वी से वी कैंसिल, सो आर बिकम एम वी बाय क्यू बी। दिस आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, एंड दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मास उसका सेम, चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम। दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब क्या हुआ, अगर ये रेडियस कम है तो वेलोसिटी कम होगी, जैसे ही रेडियस बढ़ा वेलोसिटी ज्यादा। और यही काम हम क्या कह रहे थे साइक्लोट्रॉन का होता है, कि वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ आपकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि रेडियस बढ़ गया। अब हमारे पास रीजन भी आ गया कि रेडियस क्यों बढ़ा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस बढ़ गया उसका, तो उसने जो है टारगेट को हिट कर दिया। तो सबसे पहली बात हमें निकालना था इसका रेडियस, फिर निकालना हमने कि ये जो एक सेमी सर्कुलर पाथ को वो फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, उसका टाइम टेकन क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम टेकन टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ चलने में उसको टाइम कितना लगा, आर तो हमें पता चल गया, आर कितना लगा है हमारे पास, एम वी बाय क्यू बी, ठीक बात। तो अभी हम क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे कितना लगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, यस फ्रॉम द 11 स्पीड इक्वल्स टू, यस डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। ऐसा हमने पहले भी निकाला था फोर्स मोशन ड्यू टू, फिर क्या आया डिस्टेंस, कैसे सेमी सर्कुलर पाथ तो डिस्टेंस भी आ गया पाई आर, स्पीड कितनी वी। अब आर की वैल्यू हमें पता है, क्या है आर की वैल्यू, पाई आर की वैल्यू है एम वी बाय क्यू बी इंटू वी, वी से वी कैंसिल, सो टाइम इज पाई एम क्यू बी। अरे ये कैसा रिजल्ट आया, ये तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चलने में भी टाइम यही लग रहा है, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी जा रहा है टाइम सेम लग रहा है, क्योंकि वो ना तो डिपेंड कर रहा रेडियस पे, ना ही डिपेंड कर रहा वेलोसिटी पे, सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इज कॉन्स्टेंट। अब आपको ऐसे कैसे, ये तो छोटा है तो कम टाइम होना चाहिए, ये बड़ा है ये और बड़ा है, पर इसके साथ साथ हम क्या कह रहे, रेडियस बढ़ रहा है मतलब सर्कल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है ना, तो टाइम तो क्या हो जाएगा सेम रहेगा, ठीक बात ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टाइम कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे आ गई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ गई सेमी सर्कल पाथ को फॉलो करने के लिए। अगर हमें टोटल चाहिए तो टूटी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कह रहे टाइम तो सेम, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा टू पाई एम बाय क्यू बी, है ना। फिर यहाँ से अगर हमें निकालनी है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है साइक्लोट्रॉन की आपसे पूछते हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी,
इक्वल्स टू वन बाय में टी, तो टी तो हमने निकाला हुआ है, टी इज व्हाट, टू पाई एम बाय क्यू बी, सो न्यू इज व्हाट, क्यू बी बाय टू पाई एम. दिस इज नेम्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. फिर आता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ओमेगा. ओमेगा इज व्हाट, टू पाई न्यू. सो टू पाई न्यू क्यू बी बाय टू पाई एम. सो टू पाई कैंसिल, ओमेगा बिकम क्यू बी बाय एम. आंसर आ गया. ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का रेडियस निकालना आता है, साइक्लोट्रॉन का टाइम फिगर निकालना आता है, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है. इसी तरह आती है साइक्लोट्रॉन मूव कर रहे पार्टिकल, पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, यस काइनेटिक एनर्जी. जब भी मूव करते हैं तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है ना भाई. तो अब क्या हो गया, वी की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ एम वी, यहां से फाइंड आउट कर देंगे क्यू बी बाय आर. ठीक है, ये हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन में एम स्क्वायर. तो अभी क्या है, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर. सो इट्स वन बाय टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटिंग इन अ साइक्लोट्रॉन. ओके, इतनी बार. यहां से फिर आता है हमारे पास एक कंडीशन कि भाई ये साइक्लोट्रॉन काम कब करता है, क्या हमेशा करता है, नहीं. इसकी एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कंडीशन. क्या बोला जाता है, यस रेजोनेंट कंडीशन. तो रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है कि भाई जितना टाइम इसको यहां सर्कुलर पाथ कवर करने में लग रहा है, अगर उसी टाइम पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये आगे आएगा, और नहीं आगे आएगा ही नहीं, है ना भाई. पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास ही रहना चाहेगा, वो तो नहीं आना चाहेगा पॉजिटिव के पास. तो हम क्या कहते हैं, टाइम टेकन टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ इक्वल होना चाहिए टू चेंज द पोलैरिटी. पोलैरिटी का टाइम सेम होना चाहिए सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए. अगर ये टाइम दोनों सेम होंगे तभी यहां आकर वो दोबारा से बाहर आके दोबारा से एक्सेलरेट करेगा, वरना नहीं करेगा. सो इट्स अ लिमिटेशन. अगर टाइम सेम नहीं हुआ तो साइक्लोट्रॉन जो इतना सारा पड़ा उसका कोई फायदा ही नहीं होगा. ठीक है, फिर आते हैं साइक्लोट्रॉन की कुछ एक लिमिटेशन और होती है, जैसे साइक्लोट्रॉन डज नॉट अप्लाई फॉर अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, रिपेल ही नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी हम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, एकदम से इतनी स्पीड पकड़ लेगा कि भी पता ही नहीं चलेगा पार्टिकल गया कहां पर. तो हमें इतना भी एक्सेलरेट नहीं करवाना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को भी हमने ये बोला एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ही वो एक्सेलरेट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करवा दे और वो हमें पार्टिकल के बारे में ही ना पता हो कि वो कहां गया. ठीक बात. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस दैट इज साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, उनकी वर्किंग, उनकी कंस्ट्रक्शन एंड ओवरऑल द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पैरेलल कंडक्टर्स के लिए फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो उसको देखने के लिए आपने आइकन को प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए. और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले. थैंक यू.